ब्रेकिंग का हूटर बज गया है, और ब्रेकिंग का हूटर बज गया है तो पहले ब्रेकिंग बता देते हैं, उसके बाद आपको भूमिका बताएंगे क्या है। तो ब्रेकिंग सोनभद्र से है ये, जहां पर बीजेपी के विधायक ने माफी मांगी है। तो बीजेपी के विधायक की माफी, बीजेपी के विधायक ने उठक बैठक तक कर दी, तो उठक बैठक भी की गई है बीजेपी के विधायक के द्वारा। ये दरअसल रॉबर्ट्सगंज विधानसभा से बीजेपी के विधायक भूपेश चौबे का पूरा मामला है। सोनभद्र की पूरी खबर आपको बता रहे हैं कि सोनभद्र में क्या हो गया। सोनभद्र में बीजेपी विधायक ने माफी मांगी है, उन्होंने उठक बैठक भी की है, ऐसा बताया जा रहा है। ये बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, सोनभद्र से बीजेपी विधायक ने उठक बैठक की, कान पकड़कर जनता से माफी मांगी। तो कान पकड़कर जनता से माफी मांगी है, तो आपको बता रहे हैं कि सोनभद्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जहां पर बीजेपी विधायक कान पकड़कर, ये देखिए तस्वीर एक्सक्लूसिव न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर सबसे पहले, कि किस तरीके से रॉबर्ट्सगंज विधानसभा से बीजेपी के जो विधायक हैं भूपेश चौबे, इनकी तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन्होंने कान पकड़कर सीट के ऊपर चढ़ गए। देखिए सीट के ऊपर चढ़कर कान पकड़कर माफी मांगी है जनता के सामने, हाथ जोड़े, बल्कि कुर्सी पर खड़े भी हो गए और माफी मांगी कान पकड़कर, उठक बैठक लगाते हुए नजर आए रॉबर्ट्सगंज मुख्यालय में। भाजपा की बुधवार को एक जनसभा थी, आज ही जनसभा थी, जनसभा की तस्वीरें हैं। सातवें चरण में यहां पर मतदान होना है, और सातवें चरण से पहले चौथे चरण पर ही यह है बीजेपी विधायक का हाल। सीट के ऊपर चढ़ गए, कुर्सी के ऊपर चढ़ गए और अब माफी मांग रहे हैं। सातवें चरण में चुनाव होना है यहां पर, और सातवें चरण से पहले चौथे चरण में उनकी ये तस्वीरें, एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे जहां पर सीट के ऊपर चढ़ गए और टेबल के ऊपर भी चढ़ गए और जनता से माफी मांगते हुए नजर आए। तो ये हाल है बीजेपी विधायक का, भूपेश चौबे नाम है इनका, रॉबर्ट्सगंज विधानसभा से विधायक हैं, और जनता को मनाने का ये एक अनोखा ही तरीका, बिल्कुल अनोखा तरीका लेकर आए हैं। सीट के ऊपर चढ़ गए, कुर्सी के ऊपर चढ़ गए और सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए नजर आए हैं। अपने कार्यकाल के दौरान क्षेत्र का कोई विकास नहीं कराया, ऐसा जनता लगातार आरोप लगा रही है, जब विकास नहीं कराया तो आप फंस गए, और जब फंस गए तो चौथे चरण में ही कुर्सी पर चढ़ गए, टेबल पर चढ़ गए और माफी मांग रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए कि सातवें चरण पर मतदान होना है, 5 साल से विकास नहीं कराया, जनता लगातार आरोप लगा रही थी कि विकास तो कुछ कराया नहीं, तो इस बार पलट कर रख देंगे विधायक को, लेकिन चौथे चरण में जब होश आया तो कुर्सी पर चढ़ गए, फिर टेबल पर चढ़ गए, फिर कान पकड़ लिए, फिर उठक बैठक कर ली। मतलब 5 साल विकास नहीं कराया और एक दिन जनसभा में कुर्सी पर चढ़ गए, सीटों पर चढ़ गए, कान पकड़ लिए, उठक बैठक कर ली, माफी मांग ली और जनता माफ कर देगी, ऐसा सोच रहे विधायक जी। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रॉबर्ट्सगंज की, तस्वीर आपको बताते चले पूरा ए टू जेड भूमिका बता देते हैं आपको कि ये जो पूरा मामला है, दरअसल सोनभद्र की एक विधानसभा सीट है रॉबर्ट्सगंज, वहाँ से ये विधायक साहब है जो आपको फिलहाल इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। पूरा मजमा इन्होंने लूट रखा है, अभी बीजेपी के विधायक हैं भूपेश चौबे नाम है इनका, एक जनसभा थी रॉबर्ट्सगंज में, वहाँ ये जनसभा को मौजूद थे, संबोधित कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही जनता का मूड भांप चुके हैं और समझ रहे हैं कि सातवें चरण में मतदान जरूर है लेकिन चौथे चरण से ही उठक बैठक लगानी शुरू कर दी है। तो एक जनसभा के दौरान जनता की नाराजगी को दूर करने के लिए ये बीजेपी विधायक के दुर्लभ दृश्य हैं, सीट के ऊपर, कुर्सी के ऊपर, हाथ ऊपर, कान पकड़कर, उठक बैठक, माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। जनता लगातार आरोप लगा रही थी इन पर कि 5 साल कोई विकास नहीं किया, जनता रूठी हुई थी, रूठी जनता को मनाने के लिए विधायक जी चौथे चरण में ही कुर्सी पर चढ़ गए। पांचवें चरण, छठे चरण और सातवें चरण तक किस तरीके से माफी मांगते हुए नजर आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए